राम राम जी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली पनीर की नई सी चटपटी सी रेसिपी। आइए और बनाइए, आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और पनीर। चलिए शुरू करते हैं चिली पनीर बनाने की रेसिपी। चलिए हम पनीर को मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा नमक लगा के और लाल मिर्च लगा के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। चलिए शुरू करते हैं पनीर को थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तेल अभी गर्म हो गया है, इसमें हम पनीर डालते हैं। अभी ये फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है इनको। हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे और टमाटर। अब शिमला मिर्चा डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और इसमें रेड टमाटर सॉस डाल देंगे, थोड़ी सी सोया सॉस 1 चम्मच। अब इसको 1-2 मिनट और अच्छी तरह से भून देंगे। अब इसमें पनीर डाल देंगे हम। पनीर डालकर 1-2 मिनट और इसको पका दीजिए, उसके बाद ये हो जाएगी, गैस को बंद कर देंगे। अब ये बन गया है, गैस को बंद कर देते हैं। चलिए सर्व करते हैं।